अब और क्या चाहिए बेटे, तेरा बुढ़ापा तो सुधर गया। अरे बूढ़ा होगा तू, अभी तो मैं जवान हूँ। अवतार 1983 में राजेश खन्ना साहब की यह फिल्म उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में शामिल थी, लेकिन खन्ना साहब इस फिल्म में काम करना नहीं चाहते थे। दरअसल इस फिल्म में अवतार बड़ी उम्र का कैरेक्टर होने के कारण खन्ना साहब इस फिल्म को साइन करना नहीं चाहते थे। इस मकान का मालिक, इस मकान के मालिक आप नहीं, मैं हूँ। रमेश, ये क्या बकरी है? मगर उस वक्त राजेश खन्ना का करियर ठीक नहीं चल रहा था। शाबाश बेटे, शाबाश, ये तूने बहुत अच्छा किया। एक बेटे ने सीने पे छुरी मारी, दूसरे ने पीठ में। और डायरेक्टर मोहन कुमार की जिद करने की वजह से राजेश खन्ना अपनी एक शर्त के साथ इस फिल्म में काम करने के लिए तैयार हुए। इस फिल्म का नाम पहले राधा रखा गया था, लेकिन राजेश खन्ना साहब ने इस फिल्म का नाम राधा से बदलकर अवतार रखने की शर्त रखी। जयराम जी का अवतार भैया, जयराम जी की। जयराम जी की राम दुलारे, खाते में लिख दो। लिख लेंगे भैया, लिख लेंगे। वह एक्शन फिल्मों का दौर था, लेकिन ट्रेंड बदलती इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। ये क्यों नहीं कहते तुम इस झोपड़े को अपने अमीर दोस्तों के महल के सामने नहीं देख सकते, और इस झोपड़े में एक मामूली अपाहिज मैकेनिक को भी नहीं देख सकते, क्योंकि वो तुम्हारा बाप है। इस फिल्म का यह गाना आया है, माता ने सुपर डुपर हिट हुआ। इस फिल्म के गाने में राजेश खन्ना और शबाना आजमी की गोद में एक बच्चा है। इस बच्चे को गोद में लेकर माता वैष्णो के दरबार में जाता दिखाया गया है। इस बच्चे का भी एक दिलचस्प किस्सा आपको बताते हैं। जिस वक्त इस गाने की शूटिंग की जा रही थी, उस वक्त कटरा में बेहद ठंड पड़ रही थी, इसलिए बच्चे का इंतजाम होना मुश्किल हो गया। तब डायरेक्टर मोहन कुमार ने वहीं एक रेडी वाले मोहम्मद शरीफ से बात की। मोहम्मद शरीफ ने अपना नवजात बच्चा लाकर उन्हें दे दिया। शरीफ ने बच्चा देते वक्त कहा, मैं राजेश खन्ना साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ, और खन्ना साहब मेरे बच्चे को गोद में लेकर वैष्णो देवी जाएं, यह मेरे और मेरे बच्चे के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और खन्ना साहब ने भी पूरी श्रद्धा के साथ इस गाने की शूटिंग की। खन्ना साहब ने नंगे पैर यात्रा की और जमीन पर ही सोए। राजेश खन्ना साहब का मानना था कि इस फिल्म के बहाने माता ने मुझे अपने दरबार में आने का मौका दिया है, वरना मैं शायद ही यहाँ सारी जिंदगी भी नहीं आ पाता। किस औलाद का मातम कर रही हो, जो माँ बाप के दिल का नासूर बन गए, वो मेरे घर में नहीं रह सकते हैं। ये घर मेरा भी है। आपको बता दें कि भारी बर्फबारी के कारण शूटिंग खत्म हो जाने के बाद भी खन्ना साहब को यहाँ 4 दिन तक ठहरना पड़ा। ये जमानत रमेश के लिए नहीं, राधा की वजह से दे रहा हूँ। मैं आपकी जिंदगी को रोते हुए नहीं देख सकता। दोस्तों, खन्ना साहब की अवतार फिल्म आपको कैसी लगती है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। सेवक जिसने सारी जिंदगी बिना किसी स्वार्थ के मेरी सेवा की, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी चिता को अग्नि सेवक देगा। ऐसे ही दिलचस्प किस्सों को जानने के लिए कृपया हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। नहीं गोपाल, नहीं, ऐसी गलती मत करो। अपने हाथ से अपने पांव पर कुल्हाड़ी मत मारो गोपाल। खून के सहारों से ये बैसाखी का सहारा ज्यादा मजबूत है।